राजस्थान के जालौर जिले में अतिक्रमी की दबंगी सामने आई है, जहां पर सरपंच की गाड़ी को जेसीबी से टक्कर मार और सरपंच को जान से मारने का प्रयास हुआ है। सरपंच ने बुधवार को कराया था मामला दर्ज और पुलिस की ढिलाई का असर कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। मांडलवा ग्राम पंचायत में ओवलोज मार्ग है जहाँ पे अतिक्रमण हटाने गई सरपंच पर जेसीबी चला दी। मामले के अनुसार मांडलवा में ओवलोज रोड पर एक भूखंड है जिस पर अतिक्रमण हो चुका है और गत 22 अगस्त 2019 को ग्राम पंचायत द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन 2 दिन पूर्व ही अतिक्रमी द्वारा यहां पर पूर्व में किए गए अतिक्रमण पर और निर्माण कार्य किया, जिसका सरपंच रेखा देवी ने विरोध जताया। मौके पर अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने गई सरपंच रेखा पर अतिक्रमी ने जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया और गाड़ी को भी नुकसान किया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जेसीबी चालक पूरी तरह से अपनी जो दबंगई दिखाते हुए महिला सरपंच को जान से मारने का प्रयास कर रहा है, जिसका वीडियो जो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में वार्ड पंच हरकी देवी मौजूद थी और वार्ड पंच अंदर थी और उस गाड़ी को टक्कर मारी है अतिक्रमी ने, और इस घटनाक्रम को मौके पर काफी लोगों की संख्या भी मौजूद थी और सरपंच के अलावा ग्रामीणों ने भी जेसीबी चंचालक का जो है उसका विरोध किया है और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है। आपको बता दें जेसीबी की टक्कर के दौरान जो महिला सरपंच है वो जेसीबी के आगे झूलती हुई दिखी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने विरोध के दौरान जेसीबी के सामने आई और